देवशयनी एकादशी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सोते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। बाद में कार्तिक शुद्धि एकादशी को देवों को उठाया जाता है। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर, भगवान को सजाकर, जागरण करके, पूजा करके भगवान को सुलाया जाता है। देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। सूर्यवंश में मांधाता नाम का प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखों मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म सब बंद हो गए। राजा को बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों, श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया हूँ। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आज तक एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मांधाता जी बोले, मैं उस निर अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का मुझे और कोई सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, भोग और मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इसी एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मांधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महत्तम पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी के वपन से यमदूत भाग जाते हैं, वो बहुत भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उनका जीवन धन्य माना जाता है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।